प्लेस टाइम तो दुनिया के पांचवें स्थान पर आता है उत्तर प्रदेश। जितनी जाते जा रही है उतने ही कष्ट भी भारी भारी बढ़ते जा रहे हैं। कष्ट तो ज्यादा और बढ़ते जाएंगे यदि लोगों ने इस बात को पश्चिम प्रदेश निर्माण मोर्चा की इस बात को नहीं समझा तो कष्ट वो दिन दूर नहीं है, कष्टों का अंबार बन जाएगा भगवान। वो कहावत सुनी होगी आपने कि बूंद बूंद से घड़ा भरा जाता है और एक दिन वो भर ही जाता है। अच्छा, हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं क्यों? क्योंकि एक पश्चिम प्रदेश को अलग राज्य बनाने के लिए योजना बनाई जा रही है। हाँ। और सभी हम इकट्ठे हुए हैं। एक बार मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप सब वैसे बैठे हुए हो या सच में दिल से इस योजना को पूरी करना चाहते हैं? एक बार दोनों हाथ ऊपर खड़े करके मुझे बताएं कौन कौन चाहता है सच में। युवा लोग तो सच में पीछे हैं, लड़ाकू लोग बैठे हैं कि यदि इन्होंने आज ये सोच लिया कि पश्चिम को अलग बसाना है तो इस सरकार की कोई ताकत नहीं है, ये देश को आजाद कराने वाले लोग यहाँ पर बैठे हैं। भगवान यदि तेरा सहयोग रहा तो बहुत जल्दी ये प्रदेश अलग बन जाएगा, चिंता मत कर। तू मेरा सहयोग सबसे पहले रहेगा। रुपया को देख के सहयोग ज्यादा लगे तेरा, मुझे लग रहा। मेरी बात सुनिए जरा। सुनाते जब हरे कष्ट भरे थे हरे नरवारी महिला सशक्तिकरण की नेता बहुत ही जुझारू और संघर्षशील आदरणीय वंदना चौधरी जी हमारे बीच पहुंची है। मैं चाहूंगा आप सीधे सीधे मंच पर आ जाएं। बड़ी बात है, जो लोग पैसे दे के जा रहे हैं ना, हाँ, उनका सहयोग सबसे ज्यादा है, उनका सबसे ज्यादा इसलिए है। देखिए भाई, आंदोलन में खर्चा तो आता ही है। हाँ। सुनिए मेरी बात, सुना दे। सुनिए आदरणीय राजवीर जी चिरौड़ी से, राजवीर जी चिरौड़ी से, वो भी भाई 501 रुपए से हमारा हौसला अफजाई कर रहे हैं, हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और एक से ज्यादा चैन स्नेचर जो है उनसे डर रही है बहुत ज्यादा, तो ये माला वाला तार का धरा जब तक पश्चिम प्रदेश ना बना। क्यों जी? और पश्चिम प्रदेश बन गया फिर क्यों भाई? पश्चिम जब तक पश्चिम प्रदेश ना बने, प्रशासन अपना सख्त ना हो जाए, तब तक ये माला पाला झुमका भूमका अलग धर दे तार के, आज भी पहन लीजिए। और क्या, अब तो दिन है ना इसलिए पहन रखा है, डरना दिन में। अच्छा, लेकिन जब पश्चिम प्रदेश बन जाएगा, हाँ, तो याद कर लो इतना मोटी चैन बनवाऊंगी मैं, इससे तो दोगुनी बनवा दूंगा। पक्की बात। देखो अभी कर्नल साहब की पेंशन में भी जो बढ़ोतरी हुई है बहुत ज्यादा, तो जब पश्चिम प्रदेश बन जाएगा तो एक पेंशन तेरे नाम की सही। ठीक है, सुनिए मेरी बात।
ढोकला वाला जाना पड़ा। नाम तो बहुत सुना है भाई, मुझे भी मिलना है आज बीजेपी से तो। अच्छा समर्थन देने कि भाई तुम धरने बैठो, हम तुम्हारे साथ। शहर के लोग, गांव की तो बात छोड़ो, शहर के लोग, तमाम राजनीतिक पार्टियों के लोग, तमाम सामाजिक और राजनीतिक काम करने वाले लोग, वो ये कहते, एक आदमी यूं कहने नहीं आया कि भाई ये गलत हुआ। 350 कितनी कॉलोनियां जो पिछले जो अंग्रेजों के जमानों से बसी हुई है, जो अंग्रेजों के टाइम में मालीवाड़ा, जटवाड़ा, कोटगांव और तमाम ये शहर के अंदर के गांव बस्तियां जो पिछले 70 साल से 80 साल से बसी हुई हैं, उनको गाजियाबाद के डीएम ने अवैध घोषित कर दिया और 350 कॉलोनियां, 327 या 370 कुछ दिया था उन्होंने, इतनी कॉलोनियां एक झटके में उन्होंने अवैध घोषित कर दी और उसके बैनामे बंद, उसमें खरीद फरोख्त बंद। और जो नए वो हो रहे हैं, नए के लिए कोई नियम नहीं, और उसके लिए उसको लेकर धरना जो वकील हमारे दे रहे हैं, एक आदमी नहीं गया कहने। तो ऐसे ना लड़ाई लड़ी जाती। मुझे तो अफसोस होता है कई बार। अभी एक अभी मास्टर जी जिक्र कर रहे थे, एक नोटिस आ रहे गांव 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 नोटिस आ रहे ना लेबर सेस के, और अभी 50,000 आए हैं, 2,00,000 उसने बना कर रख रखे हैं वहां पंकज सिंह राणा ने। और डीएम गाजियाबाद ये कह रही है कि लोग टैक्स जमा कर रहे हैं, विरोध केवल तुम कर रहे हो, कोई विरोध नहीं है जिले में। अब बताओ आप, गांव के लोग भग भग के जाकर टैक्स जमा कर रहे हैं, भग भग के, और गांव में बताते नहीं एक दूसरे को, शर्म के मारो, और जाके जमा करके आके चुप बैठे घर में। तो जो जिनकी स्थिति ये है कर्नल साहब, जो बिल्कुल है ना, यही बात, जो अपने निजी काम के लिए खड़े होकर वहां तक जाने को तैयार नहीं हो, क्या प्रदेश की लड़ाई लड़ेंगे, क्या लड़ाई लड़ेंगे बताओ। अभी एक नया नोटिस आ गया, जिला पंचायत का एक आदेश छपा है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कि अब गांव में कोई मकान बिना नक्शे के नहीं बनेगा। ये बताओ, इस जिले में एक आदमी ने, एक राजनीतिक पार्टी ने, किसी नेता ने, विधायक ने, अगर एक आदमी ने यह बयान जारी किया हो कि भाई ये हो क्या तमाशा, गांव में 2 कमरे आदमी बनाएगा, एक अपनी भैंस का और एक अपना, एक साल ये ढोएगा, अगले साल बनाएगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, स्क्रीन पर दिए माइक के बटन को क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।